हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है, जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को शुरू किया था। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर 7 वीडियो तक बना दिया है। और आज का ये वीडियो नंबर 8 होगा, जिस पे हम लोग बात करेंगे पीएच बफर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर आप इस सिलेबस को देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो गेट लाइफ साइंसेस का है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीएच बफर एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि वीडियो 1 से लेकर 7 तक आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है और वो सब एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। क्योंकि लास्ट टॉपिक मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो पहले उस वीडियो को सजेस्ट करूँगा कि देख लीजिए, ताकि यहाँ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला टर्म समझते हैं पीएच क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ एच प्लस आयन प्रोटोन। इसका डिफिनीशन है पीएच का, इट इज ए नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एच प्लस आयन। तो पीएच को हम लोग डिफाइन करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ये पीएच की वैल्यू आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में 10^-3 है, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पीएच को आपको माइनस लॉग 10^-3, ये ऑटोमेटिक बेस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10^-3 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस, तो ये पहले से, अब इसकी वैल्यू लॉग 10^-3 की आएगी वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा +3। अब आते हैं पीएच अगर 7 हो तो इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ये आप लोग को मालूम होगा, जो लिटमस पेपर को कुछ भी टर्न नो कलर चेंज ऑन लिटमस पेपर। और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, जैसे 8 है 10 है इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। तो यहाँ पर जो लिटमस पेपर होता है वो किस में कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। और अगर पीएच के वैल्यू लेस देन 7 है, यानी 2-3, तो ये एसिडिक कहलाता है। यहाँ पर लिटमस का पेपर का कलर जो होगा वो चेंज होगा रेड कलर में। तो ये चीज़ें जानते हैं, मैंने फिर भी बता दिया। अब आते हैं कि प्लस का आयन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, -3। तो अगर 10^-7 से लेस वैल्यू है, मैं अब वैल्यू में, ये तो पीएच की वैल्यू हो गई, ये कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी की बात कर रहा हूँ, मोलरिटी। अगर 10^-7 से लेस है तो वो एसिडिक होगा, क्योंकि 7, ये जो 10^-7 की वैल्यू है, अगर इसको हम लोग लिखेंगे पीएच 7, तो माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, ये इस तरफ जाएगा, एंटी लॉग सेवन, और वैल्यू माइनस इस तरफ, तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10^-7। ये तो अगर 7 है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-7। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 10^-7 से कम रहा तो ये एसिडिक होगा, और अगर 10^-7 मोलरिटी से ज़्यादा रहा तो ये बेसिक होगा, और अगर 10^-7 एग्जैक्ट है तो ये न्यूट्रल होगा। तो या तो आप पीएच के वैल्यू की बात कीजिए, या फिर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की बात कीजिए। अगर एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को रखेंगे तो ये रखें, ये 10^-7 से ज़्यादा, कम या इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा हुआ तो बेसिक, कम हुआ तो एसिडिक, और इक्वल है तो न्यूट्रल। ओके, ये सारी बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग आ रहे हैं कि ये 10^-7 आया कहाँ से। तो एच प्लस जो आता है, जनरली हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं कि वाटर जब डिसोसिएट करता तो ये किस में फॉर्म करेगा, एच प्लस और ओ एच माइनस में। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों का इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन। तो के डब्ल्यू, विच इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर,
इज प्रोडक्ट, ये रखेंगे, और डिवाइड बाय सब्सट्रेट एच टू, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा, फिक्स्ड, क्योंकि ये हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पर H प्लस और OH इक्वल अमाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये कांस्टेंट है, तो विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल, यहाँ पर आएगा H प्लस आयन और दूसरा OH आयन, ये दोनों इक्वल अमाउंट में है। अब दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है और मैं मान लूँ एक्स और एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 10^-14, ये क्या होता है 10^14, तो 10^14 पर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा 10^-7, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 10^-7, यानी एच लीजिए तब ये कितना आएगा 10^-7, और ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन भी लीजिए तो 10^-7, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। यानी क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी एच प्लस पी ओ एच, विच इज यहाँ पर एच एसिडिक है और पी ओ एच बेसिक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा के डब्ल्यू, और ये वैल्यू क्या आएगा, आप पी एच के फॉर्म में लिखे, पावर के फॉर्म में तो 14, क्योंकि इसको अगर लॉग -14 को हम लोग -14 रखे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14, यानी वाटर के दोनों पी ओ एच और एच को मिला दे तो ये कितना वैल्यू आएगा 14, तो पी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ पी एच की, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर अगर पी एच की बात करें तो 14 डिवाइड बाई 2 ये 7 आएगा, और पी ओ एच की वैल्यू बात करें तो ये भी 7 आएगा, दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल होकर कंबाइन करके ये फॉर्म किए। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस ओ एच कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एच टू ओ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 10^-14 हो गया, ये 10^-7 हो गया, तो ये 10^-7 हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि चाहे इस फॉर्म में करें चाहे इस फॉर्म में। उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी ओ एच, ये दोनों इक्वल है, और अगर आप पी ओ एच को पी एच के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे इस इक्वेशन से कैसे जा सकते हैं, हम लोग जैसे जा सकते हैं पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 है, तो पी ओ एच को हम लोग पी एच के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 14-PH, या इसी तरीके से पी एच को कैसे लिख सकते हैं 14-POH, अगर मुझे पी ओ एच के फॉर्म में लिखना है या पी एच के फॉर्म में, तो ये दोनों को भी समझना है। ठीक है, तो ये सब भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं, तो अगर कल को एग्जाम में दिया हुआ किसी सॉल्यूशन का पी ओ एच 12 है तो पी एच इसका क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, पी ओ एच 12 हो गया तो पी एच पूछ रहा है, तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है, तो पी एच की वैल्यू फाइंड आउट करना, पी ओ एच की वैल्यू 12 दिया हुआ है तो यहाँ 14, यानी पी एच इसका क्या होगा 14-12 दैट इज 2। इसी तरीके से अगर पी एच की वैल्यू 2 दी हुई है, सपोज पी एच की वैल्यू दी हुई है 2 और पी ओ एच फॉर्म करना ये बताना है, तो हम लोग फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी एच इज इक्वल टू क्या होगा 14-PH, तो 14 यहाँ पर है, पी एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 12। क्लियर है, ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में हम लोगों को आ गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बफर के बारे में। बफर इज ए इट इज ए सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन विच कैन रजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। आप एसिड और बेस इसमें डालेंगे तो इसका पीएच जिस सॉल्यूशन में चेंज ना हो उसको हम लोग बफर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ब्लड जिसका पीएच ऑलमोस्ट 7.2 फिक्स्ड है, ये बफर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये तो ये क्या है बफर है, ठीक है,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बायोलॉजिकल सिस्टम से समझना है। अब हम लोग आते हैं कि बफर का टाइप क्या हो सकता है, टाइप ऑफ बफर। तो पहला टाइप होता है बफर विच इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। जो बफर वीक एसिड और वीक बेस से बने हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बफर, सिंपल बफर। तो पहला जो बफर आ गया वो किस टाइप का आ गया, सिंपल बफर। सिंपल बफर किसका बना होगा, वीक एसिड एंड वीक बेस का, ठीक है। जैसे एग्जांपल वीक एसिड समझ लीजिए किसका, CH3COH, ये वीक एसिड है। इसको मिक्स कर दीजिए किसके साथ, वीक बेस के साथ में, तो वीक बेस है NH4OH। इन दोनों को मिक्स कर दे कहाँ, वाटर, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये अब इसका पीएच क्या होगा, जो भी पीएच आया वो कांस्टेंट, अब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे चेंज नहीं हो सकता है, देखिए एसिड डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो HCl डालने के बाद में ये डिसोसिएट करेगा किस में, क्योंकि एसिड तो क्विकली डिसोसिएट कर जाएगा वाटर में, तो H प्लस है, तो ये H प्लस को अगर कैप्चर नहीं किया गया तो ये सॉल्यूशन का पीएच को इंक्रीज कर देगा, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्री फॉर्म में रहेगा तो फिर पीएच इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इस वाले NaOH4OH के साथ कंबाइन करके, NH4OH का जो OH है उसके साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, वाटर, ये वाटर फॉर्म कर देगा। तो फिर H प्लस कैप्चर हो गया, ये फ्री नहीं रहा, तो इसका क्या होगा, पीएच चेंज नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा। और अगर आपने एडिशन किया ऑफ एडिशन ऑफ NaOH, बेस डाला, तो बेस क्या होगा, क्विकली डिसोसिएट करेगा किस में, Na प्लस OH माइनस में। अब ये फ्री फॉर्म में OH, अगर इसको फिर से कैप्चर नहीं किया गया, ये फ्री रहा, तो ये फिर से क्या करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये OH क्या करता है, इसके H प्लस के साथ में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, वाटर, H प्लस एंड OH, ये क्या फॉर्म करेगा, वाटर, अगेन H2O। तो जब H2O फॉर्म कर देगा तो ये फिर से क्या होगा, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहा, वाटर फॉर्म करके, तो फिर से पीएच चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों वजह से पीएच चेंज नहीं होगा आफ्टर एडिशन ऑफ HCl और आइदर एडिशन ऑफ NaOH, जिससे पीएच विल नॉट चेंज, और पीएच चेंज नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बफर। तो यानी इन दोनों का मिक्सचर अगर ले ले तो वो बफर की तरह काम करेगा। तो कोई भी वीक एसिड और वीक बेस ले ले वो बफर की तरह काम करेगा। तो एक तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बफर। अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप को देख लेते हैं। सेकेंड टाइप को हम लोग कहेंगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब है कि यहां पर हम लोग कैसे बफर बनाएंगे, बफर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी एक वीक एसिड होगा और दूसरा सॉल्ट होगा वीक एसिड का विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल समझे, तो वीक एसिड का तो जस्ट हम लोग ने देखा एग्जांपल, ये वीक एसिड तो इसी को ले लेते हैं, CH3COH एसिटिक एसिड। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो सॉल्ट क्या हो गया, CH3COO-, ये सॉल्ट हो गया वीक एसिड का। और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का Na प्लस और OH, तो ये सॉल्ट हो गया किसका, प्लस और माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कंबाइन कर जाएगा, यानी ये सॉल्ट होगा वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटेट। तो ये हो गया सोडियम एसिटेट और ये हो गया एसिटिक एसिड, ये दोनों कंबाइन करेगा। अगर आपने दोनों को लिया, मिक्स किया वाटर में, इसको मिक्स कर दीजिए वाटर में, तो ये जो भी पीएच आएगा, सपोज इसका पीएच आया, समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 6, तो अब इस पर जो भी ये फिक्स्ड हो गया, अब इस पर एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज। तो उसको क्या करेंगे, बफर। जैसे कैसे देखते हैं, जैसे CH3 वाटर में डाला, तो CH3COH को जब वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट करेगा, CH3COO- प्लस H+, ठीक है, ये वीक एसिड है।
ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बहुत कम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन और इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, ये बहुत स्लो डिसोसिएट करेंगे। लेकिन C3CONA, ये सोडियम एसिटेट, ये क्या करेंगे, ये बहुत ही क्विक डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये फास्ट डिसोसिएट करेगा। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, C H3C OO- + Na, ये क्विकली डिसोसिएट करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन आयन देख रहे हैं कि कॉमन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकेंड वाले इक्वेशन को कंपेरिजन करें तो किसका कॉमन आयन इफेक्ट है, CH3COO- का, एसिटेट आयन का। तो ये हो गया कॉमन आयन, और कॉमन आयन इफेक्ट में हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग पहले पढ़े हुए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जो इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि प्रीवियस वीडियो को देखिए ताकि ये समझ में आएगा। तो कॉमन आयन होने की वजह से यानी वीक एसिड का डिसोसिएशन और लेस हो जाएगा, किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, फाइनली इट विल डिक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, इट विल फर्दर डिक्रीज। और अब आते हैं कि ये कैसे रजिस्ट करेगा चेंज इन द पीएच, तो इसको देख लेते हैं। अगर आपने एसिड डाला तो एसिड H+ और Cl- में डिसोसिएट करेगा, अब ये H+ फ्री नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पीएच फिर इंक्रीज कर जाएगा, तो ये PH+ किसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये H+ कंबाइन करेगा CH3COO- के साथ में, क्योंकि इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा एसिटिक एसिड, तो ये H+ कैप्चर हो गया। अब आ रहे NaOH, बेसिक डाला बेस, तो H+ Na+ और OH- रिलीज हुआ, ये OH फिर फ्री नहीं रहना चाहिए, तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, दोनों वाटर, जैसे ही वाटर फॉर्म करेगा ये फिर से यूज हो गया, तो फिर से पीएच इन दोनों का जो है वो चेंज नहीं होगा, पीएच विल बी रजिस्ट एंड दिस कैन एक्ट एज ए बफर। तो इसका अब फॉर्मूला होता है, सो हैंडर इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, ये क्या होगा इसको देख लेते हैं। पीएच इज इक्वल टू PKa+ लॉग ऑफ साल्ट बाई एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडरसन्स इक्वेशन। हैंडरसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर में इस तरह के एसिडिक बफर के ऊपर में डिटेल रिसर्च किया था, उन्हीं के ऊपर ये नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने ये इक्वेशन दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि किसी भी एसिडिक बफर का पीएच हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं बाई मिक्सिंग जस्ट फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द एसिड। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे पीएच मैं चाहता हूँ कि एसिडिक बफर का 6 हो, 6.0, और पीकेए वैल्यू, ठीक है, पीकेए वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिड यहाँ पर कौन सा है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, तो उसका फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल उसका 4 है, मैं ये समझाने के लिए पहले लिख रहा हूँ, प्लस लॉग, तो क्या वो अमाउंट में मैं सॉल्ट लूँ और एसिड लूँ जिसकी वजह से ये पीएच 6 इस बफर का है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 - 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट, और सॉल्ट यहाँ पर क्या आएगा, CH3CONa सोडियम एसिटेट, और एसिड क्या है, CH3COH एसिटिक एसिड, तो इसको हम लोग एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग 2 आएगा, तो एंटी लॉग 2 का वैल्यू 100, और इस तरह आ गया CH3CONa डिवाइड बाई CH3COH। अब यहाँ पर ये लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग आएगा, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को मालूम है 2 की होती है, एंटी लॉग 2 की वैल्यू होती है 100। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेना है जिसका रेशियो आए 100। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सॉल्ट का ले लेंगे मैं 10 मोल, और एसिड का मैं कॉन्सेंट्रेशन लूँगा 0.1 मोल, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 100। यानी अगर मैं 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट मिक्सड विथ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बफर हुज पीएच इज गोइंग टू बी 6, ये फिक्स्ड हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं फोर के लिए बना सकता हूँ, थ्री के लिए बना सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं बेसिक बफर के बारे में। बेसिक बफर क्या होते हैं, मिक्सिंग कैसे बनाएंगे हम लोग इनको, बाई मिक्सिंग वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल अभी देखा हम लोगों ने, NH4OH ये वीक बेस है, और सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस को डिसोसिएट कराते हैं NH4, ये जो इससे आया NH4OH से, तो ये प्लस साइन। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग है, तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म करेगा, तो Cl माइनस यहाँ से इस वाले प्लस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे वाटर में तो ये क्या फॉर्म करेगा, बफर, जिसका pH फिर से रजिस्ट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और बेस। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि NH4OH ये वीक एसिड, वीक बेस है, तो ये डिसोसिएट बहुत कम करेगा इसमें NH4OH में, और दूसरा है NH4Cl ये सॉल्ट है, तो ये बहुत क्विकली डिसोसिएट करेगा फास्ट, और यहाँ पर इन दोनों का कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से NH4OH और इसका डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या करेगा, फर्दर डिक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, क्योंकि ये वीक बेस है। तो अब यहाँ पर मोस्टली क्या प्रेजेंट होंगे, NH4OH एक इस तरफ वाला प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, और इस तरफ वाला क्योंकि ये क्विकली डिसोसिएट कर रहा है, तो NH4 क्योंकि ये सॉल्ट से आ रहा है, तो NH4 एंड Cl। अब अगर हम लोग यहाँ पर एसिड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एसिड ऐड करता हूँ जैसे HCl, तो HCl क्विकली डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये H प्लस फ्री रहेगा तो फिर pH चेंज कर देगा, तो इसको अगर कैप्चर कर लिया जाए तो फिर pH चेंज नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, H प्लस इस OH के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, वाटर, तो फ्री फॉर्म में नहीं रहा, तो एसिड से pH चेंज नहीं होगा। अब आते हैं बेस, अगर मैंने ऐड किया NH4OH तो ये क्या रिलीज किया, Na प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पर अगर OH फिर फ्री रहेगा फिर से pH चेंज हो जाएगा, बेसिक की तरफ चला जाएगा, तो ये OH किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये कंबाइन करेगा NH4 प्लस के साथ, और फिर क्या फॉर्म करेगा, NH4OH ये फॉर्म कर देगा, तो फिर से pH चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे एसिड और बेस डालने से H प्लस और OH जो रिलीज हो रहा है इन दोनों से वो कैप्चर कर लिया गया बाई फॉर्मेशन ऑफ वाटर और NH4OH, तो इसकी वजह से pH विल नॉट चेंज, तो नॉट चेंज तो इसका मतलब बफर। होप सो कि ये समझा। अब इसका एंडरसन्स इक्वेशन लिख लेते हैं, फॉर बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का एंडरसन्स इक्वेशन क्या आएगा, पी ओ एच, क्योंकि बेस का लिख रहे हैं तो पी ओ एच लिखेंगे, पी के बी लिखेंगे, ठीक है, एसिड रहता तो ए लिखता, लॉग सॉल्ट बाई बेस, बाकी एप्लीकेशन मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप फिक्स पीएच पीओएच रख सकते हैं बाय मिक्सिंग सॉल्ट और बेस का एक अमाउंट लेकर, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल में समझाया। तो अब यहां पर अगर इसको मैं पीओएच के फॉर्म में, तो अगर इसको मैं पीएच के फॉर्म में लिखना चाहूँ, पीएच के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकता हूँ, तो आपको मालूम है कि पीएच प्लस पीओएच 40 ये वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं पी ओ एच को कैसे लिख सकता हूँ, 14 माइनस पी ओ एच, तो यहाँ पर अब क्या करूँगा, इस पी एच को लिखने के लिए 14 पहले लिख दूँगा, पी ओ एच की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, विच इज पी के बी माइनस लॉग हो जाएगा सॉल्ट बाई बेस। बस अगर पी ओ एच पी एच के फॉर्म में लिखना चाहते हैं मैं बेस का, तो मैं ये लिखूँगा। होप सो कि ये क्लियर हुआ।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे बॉडी में, जैसे ब्लड जो एग्जाम्पल है वो ब्लड बफर की तरह एक्ट करता है, मैंने बताया था, जिसका पीएच ऑलमोस्ट 7.2 रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पर कौन सा सॉल्ट, कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3 प्लस सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड विच इज NaHCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों का मिक्सिंग ब्लड में रहता है जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होता और ये बफर की तरह काम करता है। तो ये याद रखना, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पूछा हुआ बहुत बार एग्जाम में कि ब्लड में क्या रहता है जिसकी वजह से उनका पीएच चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का, तो पीएच होता है वो 1.5 होता है, और ये कहाँ रिलीज होता है, स्टमक। लास्ट वन इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर क्या है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पहला, बायोलॉजिकल साइंस में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसका रोल है, खासकर मैं डिस्कस करूँगा लाइफ साइंसेस से रिलेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि लाइफ साइंसेस के बारे में ही आपको इसमें पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ बफर क्या करता है, पीएच को रजिस्ट करता है, तो रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच एंड हैंस सिस्टम विल बी होम्योस्टेसिस, मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट कंडीशन, यानी सेम कंडीशन। तो अगर एसिड और बेस डालने के बाद भी सिस्टम सेम रहे, उसको सेम रखने के लिए बफर का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बफर प्रमोट फंक्शन ऑफ एंजाइम, जितने एंजाइम हैं वो एक फिक्स्ड पीएच पे काम करते हैं, फिक्स्ड पीएच पे काम करते हैं, अगर पीएच चेंज हुआ तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, अगर ये 7.2 पीएच पे काम कर रहा है, अगर ये पीएच चेंज कर दिया जाए, इसका कर दिया जाए 8 या 6, तो ये डीएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल ग्रोथ और एंड डिवाइड ये नहीं करेगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हर एक एंजाइम को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल एक फिक्स कंडीशन में वर्क करने के लिए एक बफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, प्रोटीन रिमेन इन फोल्डेड और एक्टिव फॉर्म इन फिक्स्ड पीएच, फिक्स्ड पीएच का मतलब आ गया बफर। अगर आपने प्रोटीन पीएच को चेंज किया तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, वो फोल्डेड से अनफोल्डेड हो जाएगा, और अनफोल्डेड हो जाएगा तो वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव से हो जाएगा तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और नॉन फंक्शनल हो गया तो ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन HB जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और इसको कैरी करता है फ्रॉम लंग टू टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन लेकर आता है। तो ये पीएच फॉर एग्जांपल 7.2 पे काम कर रहा है, अगर जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट जैसे 6.0, तो ये क्या ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, नॉट बाइंड विथ ऑक्सीजन। तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी, टिश्यू की क्या होगी, डेथ, क्योंकि सब ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। तो उससे क्या होता है, पैरालिसिस, अटैक, हार्ट अटैक हो सकता है, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है।
क्लियर है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।